सागर में ईद का त्यौहार शासकीय नियमों से मनाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु तथा स्थानीय प्रशासन की बैठक सागर कोतवाली में आयोजित की गई। बैठक में शामिल मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने ईद का त्यौहार मनाने के विषय में समाज के लोगों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए अपील की है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों निर्देशों का पालन करें तथा कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने के सभी उपाय करें। सर, यहाँ पे मुस्लिम समाज की और आप और सारे अधिकारियों की जो मीटिंग हुई, इसमें क्या तय हुआ है? शासन के समक्ष में ये सभी मुस्लिम धर्मगुरु और समाज के अन्य लोगों के द्वारा आपस में चर्चा की गई और उनको बताया गया कि वो शासन की गृह विभाग के द्वारा जो भी एडवाइजरी है उसका पालन करें। उनका पक्ष सुना गया और लगभग सभी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है कि हम इस गाइडलाइन का पालन करें। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करेंगे और मुआशरती फासला जो है वो बरकरार रखेंगे कुर्बानी के अंदर की, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालन करेंगे और इसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग हुई और हम तमाम मुसलमान भाइयों से खास तौर से ये अपील करते हैं कि वो इस पर ध्यान दें और गाइडलाइन की पूरी पालन करें। आपकी तरफ से भी कुछ प्रशासन से मांगा गया स्पेशली तौर पर? नहीं, जो बातें हमारे मांग की थी वो इसके अंदर सब चीज़ें हैं, इसी की हमें मांग है। और जो हमने मांग किया कि शनिचर इतवार जो लॉकडाउन है उसमें हम लोगों को आने जाने में ज़्यादा रुकावट नहीं है।